26 दिसंबर है और हम जा रहे हैं इस्तकलाल स्ट्रीट की जानिब, क्योंकि हमें कुछ लोगों ने बताया है कि भाई जब 26 दिसंबर आता है तो बहुत सारी जगहों पे बहुत अच्छी अच्छी सेल्स होती हैं। तो हमने फैसला किया है कि हम जा रहे हैं इस्तकलाल स्ट्रीट की जानिब, और इस्तकलाल स्ट्रीट अपने ब्रांड्स, अपनी शॉपिंग, अपनी रौनक के हवाले से अपनी मिसाल आप है। तो जनाब मिलते हैं इस्तकलाल स्ट्रीट पर। इस्तकलाल स्ट्रीट का जो आगाज़ होता है वो सबसे ज़बरदस्त चीज़ ये हाफिज़ मुस्तफ़ा से होता है। अगर आप देख सकें हाफिज़ मुस्तफ़ा यहाँ पर है, और उसके बाद तो जनाब काफा ही काफा चल रहा होता है। ये दोनर कबाब हबीबी, दोनर कबाब सिकंदर कबाब जनाब। तो हमारे साथ मौजूद हैं इस टूर पे पाशा भाई। तुर्की ज़बान में पाशा किसी को मुखातिब करने के लिए कहा जाता है, जैसे सिंधी में साईं कहा जाता है, वैसे तुर्की ज़बान में पाशा किसी को इज़्ज़त देने के लिए कहा जाता है। तो जब मैं इनको आवाज़ देता हूँ पाशा भाई, तो सारे टर्किश इधर देख रहे होते हैं कि भाई पाशा भाई कौन है ये। तो जनाब ये है हमारा ज़बरदस्त दोनर कबाब। ज़रा सा दोनर कबाब के कुछ अच्छे से शॉर्ट्स बनाते हैं। इस्तकलाल स्ट्रीट आपका इस्तकबाल अपने खूबसूरत से दोनर कबाब से करती है, और मेरे तो ये समझ में नहीं आता यहाँ पे बर्गर किंग और मैकडॉनल्ड्स कौन खाता होगा जनाब, लेकिन खाने वाले खाते हैं। हमारे बहुत सारे दोस्त हैं जो गुजारा है यहाँ पर मैकडॉनल्ड्स और बर्गर किंग के साथ करते हैं। इसकी वजह यह है कि यहाँ की जो बीफ है उसमें हल्की सी स्मेल है, और कुछ लोग स्मेल को इन्जॉय करते हैं और कुछ लोग इन्जॉय नहीं कर पाते। तो मुझे तो भाई अच्छा लगता है, मज़ा आता है, मैं तो खा लेता हूँ, मुझे मज़ा नहीं है, लेकिन लैम नहीं खाया जाता, ये बात हकीकत। जनाब इस्तकलाल स्ट्रीट पर जो बहुत सारी शॉप्स हैं खाने पीने की और ब्रांड्स वगैरह भी, तो इनके ऊपर इनके नीचे जो इनका ब्रांड नेम होता है एयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट लिखा हुआ है, जिससे ये बात साबित होती है ये सारी शॉप्स बहुत पुरानी हैं, और यही इनकी ब्रांड इंटीग्रिटी की एक बहुत बड़ी दलील है कि ये दुकानें एक अरसे से चल रही हैं। जनाब बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि टर्की से क्या लाया जाए, तो जनाब टर्की जब भी जाएँ तो टर्की में दो चीज़ें आपको बहुत नज़र आएंगी लेके जाने के लिए, एक बकलावा और दूसरी चीज़ ये टर्किश डिलाइट। टर्किश डिलाइट जो होती हैं वो थोड़ी गम सी होती हैं, ठीक है। मुझे पर्सनली बकलावा बहुत अच्छा लगता है, और बकलावे भी हाफिज़ मुस्तफ़ा की तो क्या बात है बकलावे के अंदर। अच्छा मैं जब भी पाकिस्तान से बाहर ट्रैवल करता हूँ तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं ऐसे ब्रांड्स को से परचेज़ करूँ जो पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। मेरे पीछे आप स्टारबक्स को देख सकते हैं, स्टारबक्स पाकिस्तान में नहीं है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि अगर कॉफ़ी भी पीनी है तो स्टारबक्स से पी जाए, ताकि जो है वो चीज़ को इन्जॉय किया जाए जो पाकिस्तान में नहीं है, ठीक है। तो माशाल्लाह हमारा रुपया बहुत तरक्की कर रहा है, और 182 का हमने डॉलर ख़रीदा है लास्ट टाइम पे खरीदा है। तो जनाब 182 का डॉलर के बाद जब हम शॉपिंग करने जाते हैं और जब हम कन्वर्जन मारते हैं तो भाई बैंड बच जाती है, जबकि टर्किश लीरा भी रिसेंटली बहुत ज़्यादा डिक्लाइन में शिकार हुआ था, लेकिन फिर भी चीज़ें बहुत महंगी लग रही हैं।